हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मनोरोगी ने सुमेरपुर शिवगंज में भगवान की प्रतिमाओं पर तेजाब डाला, बोला सफाई कर रहा हूँ। शिवगंज में मंगलवार को एक मनोरोगी ने विभिन्न मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर तेजाब डाल दिया। इस घटना की जानकारी लगने पर मंदिरों में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 2 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मानसिक रोगी निकला, जिसने बताया कि किसी ने उसे बताया था कि तेजाब से मूर्तियों की सफाई हो जाती है, तो मैं भी भगवान की प्रतिमाओं की साफ सफाई कर रहा था। सुमेरपुर के नदी ढलान हनुमान मंदिर एवं शिवगंज के छिपावास मोहल्ले में सोमनाथ महादेव मंदिर व पिथानिया वास और खंजासिया वास में हनुमान मंदिर में मंगलवार करीब 11 बजे देवी देवताओं की मूर्तियों पर तेजाब डालने की वारदात हुई। इससे लोग आक्रोशित हुए व पुलिस को सूचित किया। मूर्तियों पर ज्वलनशील पदार्थ डालने की खबर मिलते ही लोगों में सनसनी फैल गई। शिवगंज सीआई बुद्धाराम चौधरी मौके पर पहुंचे एवं लोगों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी गणेश राम पुत्र कुमाराम सुथार निवासी जोगापुरा हाल आदर्श नगर पुलिस उसे थाने ले गई। वो पूछा तो उसने बताया कि उसे किसी ने बताया था कि तेजाब से मूर्तियों की सफाई हो जाती है, इसलिए बोतल में तेजाब लेकर गया और मूर्तियों पर तेजाब डालकर सफाई की। आरोपी गणेश राम के परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रोगी है एवं उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गणेश राम के पास एक साइकिल थी, जिस पर सवार होकर सभी मंदिरों में पहुंचा था। साइकिल के कैरियर में एक कट्टा था, जिसमें लकड़ी का फर्नीचर बनाने के औजार भी भरे हुए थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली। ये गणेश राम करके सुतार है, जो हमेशा यही लकड़ी का काम करता है और कस्बों में सुमेरपुर और शिवगंज घूमता रहता है। थोड़ा दिमाग से मानसिक रोगी लग रहा है, जिसने पूछताछ बताया कि भाई ये तेजाब से गंधक से मूर्तियाँ साफ होती है, लोगों से सुना है। इस कारण से इसने सोचा कि मैं भी हनुमान जी की मूर्तियाँ और ये इस तेजाब से साफ होती है तो साफ कर दूँ। तो सारे मंदिरों में गया और साफ करने के उद्देश्य से इसने वो तेजाब डाल करके कपड़े और मूर्तियों को काला किया। ये जानकारी इस मुलजिम से मिली है। अच्छा सर, आगे क्या कार्रवाई रही? मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट पेश करेंगे। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से शंभूलाल परमार की रिपोर्ट।